खाना खाए हो? कैसे खाए हो? अच्छा ज्यादा बता जल्दी ध्यान का है। पैसे रख के भूल गए थे और नोट बंद हो गया, तो ये वाला नोट मुझे दिखा। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान रहमान और आप जानते हो मुझे ओए माफिया के नेम से। सो गाइस, आज है फ्राइडे और आज हो रही है बारिश। मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अपने बारिश में ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद बारिश हो रही है तो मतलब मज़ा आ रहा है। और लेकिन ये जो हल्की हल्की बारिश होती है ना गाइस, और ये पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है ना, उस वजह से थोड़ा सा बुरा लगता है। लेकिन बारिश अच्छी चीज़ है, मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है। बस ये चाहता हूँ ना, रास्ता एकदम क्लियर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा भीगा रहे लेकिन जो गंदा लोग करे होते हैं ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बस ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी आज फ्राइडे है तो अभी मैं जस्ट उठा हूँ सो के और अब छत पे आ गया था व्लॉगिंग करने। मैंने सोचा बारिश हो रही तो बारिश से ही व्लॉग स्टार्ट किया जाए। वैसे तो अभी मैं नहाने जाऊँगा और नहा धो के मतलब कुर्ता पहन लूँगा अपना, तो जल्दी से नहाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, मैंने नहा लिया है और नहा के कुर्ता पहन लिया है। कुर्ता मतलब दिखाता हूँ मैं आपको तो कैसा लग रहा है, आप तो भी बताना कैसा लग रहा है। तो गाइस, ये रहा कुछ लुक, ग्रीन कलर का कुर्ता है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा लेकिन फिर भी पता तो लग ही रहा है, तो बता दो कैसा लग रहा है। तो गाइस, ऐसा था कुछ लुक जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। वैसे थोड़ा सा जब भी रोशनी पड़ेगी बाहर जाऊंगा तो और अच्छे से लुक दिख पाएगा आप लोगों को। और बाकी जो है कि अभी मैं ब्लॉग को अपलोड करने जा रहा हूँ। एक ब्लॉग जो रह गया था मेरा, मैंने अपलोड नहीं किया था आज ब्लॉग को, उस अपलोड करना था। तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्लॉग को अपलोड करूँगा। अभी थोड़ा सा टाइम है जुमा की नमाज़ में, तो उसके बाद हम जुमा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और लेकिन उससे पहले हम ब्लॉग को अपलोड करेंगे, तो जल्दी से मैं ब्लॉग को अपलोड कर लेता हूँ। गाइस, मैंने ब्लॉग को अपलोड कर दिया है और अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम हो चुका है। तो अब मैं नमाज पढ़ के आप लोगों से मिलूँगा। इस बार नहीं दिखा पाऊँगा अंदर का, क्योंकि जुमा के दिन सही नहीं होता है, मतलब मोबाइल ले जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं कैमरा वगैरह फ़ोन नहीं लेके जाऊँगा, तो मस्जिद का नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन और आगे क्या दिखाता हूँ उसके लिए आप लोग को ब्लॉग पर बने रहना होगा, तो ब्लॉग पर बने रहना। आगे मिलते हैं इसी ब्लॉग में। तो गाइस, मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और घर आके सोया हूँ। भूख बहुत तेज़ लगी क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था उस वजह से। तो मम्मा ही से बोला है खाना लेके आने को, तो मम्मी किचन में गई है और मेरे लिए खाना लेके आ रही। देखते हैं क्या आता है, जो भी आता है दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये सलाद आके रखा है, सबसे पहले तो सलाद को मैं रख देता हूँ और खाने में क्या है उसका वेट कर रहा हूँ मैं। तो मेरे लिए पूड़ी बनी है गाइस, ये देखो ये पूड़ी आ चुकी है मेरी और ये लिटिल माफिया की, तो दोनों के लिए आ चुकी है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी तो मैं खाना स्टार्ट करता हूँ गाइस। तो गाइस, मैंने खाना खा लिया है और अभी मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, तो सबके लिए मैं थोड़े से कुछ नई तरीके की ड्रिंक बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो मैं ड्रिंक बनाना ही स्टार्ट करता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ उसमें क्या क्या डाल रहा हूँ क्या क्या। वैसे सामान तो मैंने पहले के ला के रखे थे, मूड मेरा पहले से था लेकिन बनाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज मौका मिला है तो आज मैं अब बनाने जा रहा हूँ उस चीज़ को। वैसे क्या सामान चाहिए वो फ्रिज से मैं निकाल लेता हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। सो ये रहा हमारा सोडा वाटर, ये है सोडा और ये है मिठाइयाँ रखी हैं यार। चलो कोई नहीं, बाद में तो खा लेंगे जब भी कोई नहीं रहेगा घर पे चोरी से। और ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक। सो ये दो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं और भी काफ़ी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो मम्मा मुझे ला के दे रही हैं। एक तो पुदीना मिल जाएगा और एक लेमन हो जाएगा, तो इसको फ़िलहाल मैं किचन में रख लेता हूँ। किचन में रख लिया और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बनाने के टाइम दिखाता रहूँगा। यहाँ पे सारे चीज़ें लगभग हो चुकी हैं, यहाँ पे देख सकते हो पुदीना रखा है, ये हमारे मिक्सर में, ये पहले सोडा हम डालेंगे और फिर ये कोल्ड ड्रिंक, थोड़ी सी चीनी, नींबू और फिर टेस्ट करेंगे। और बाकी जो मुझे और भी कुछ का मन है इसी भी ड्रिंक में बनाने का, लेकिन वो इसके बनाने टेस्ट करने के बाद ही बताऊँगा मैं। तो देख सकते हो दो नींबू ले लिया है मैंने और मम्मी से कटवा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा सोडा वाटर मिला लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ ये थोड़ा सा, ये थोड़ा वाटर
बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, थोड़ा सा, और उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक ये मिलाने लेंगे। तो इसको भी डाल देता हूँ। ओके, दोनों जार को मैंने भर लिया है लगभग अपने अंदाजे से, मतलब दोनों जार दोनों चीज़ मिला के आधा जार मैंने भर लिया अपने अंदाजे। और ये जो चार नींबू, ये दो ऐसे जाएगा और ये दो ऐसे जाएगा, ठीक है। आप लोग हंसना मत, ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो भी ये मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। और सारा पुदीना मैंने इसमें मिला लिया है। आप सोचोगे ये मतलब क्या कर रहा हो, तो ऐसे ही नहीं पीना है हमें, मैं आगे भी बताऊँगा करना क्या है। और बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, फिर भी थोड़े से मीठे टेस्ट के लिए हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें, एक चम्मच, और ये दो चम्मच बस, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं मम्मा से बनवा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने ही बताई, लेकिन मम्मा बनाएगी। मैंने बना लिया जो बनाना था, अब इसको छानेंगे, क्योंकि हमने नींबू और पुदीने को एक साथ डाला था, तो उसको छान लेंगे, नहीं तो बहुत कड़वा लगेगा। तो वैसे जो मैं बनाना चाह रहा था वो मैंने बना लिया है, और अभी टेस्ट करने की बारी है। वैसे थोड़ा सा टेस्ट किया तो अच्छा तो लगा था, अब अच्छे से पी के देखते हैं। सच्ची बता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे। माफी अभी अपना लेके आ चुका है, उसने रखा क्यों है ला के मुझे नहीं समझ में आ रहा, पी क्यों नहीं रहा, शायद मेरा देख के, क्योंकि मैंने रखा था। मैं घर आ रहा हूँ अभी, मुझे मार्केट में थोड़ा कुछ काम था तो गया था, और अभी मैं घर पहुँच रहा हूँ। घर पे पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे आगे इस ब्लॉग में आप लोगों को पता लगेगा, तो बने रहना। तो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, ठंडी हवा है गाइस, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बस टहलने निकला हूँ ऐसे ही, लेकिन मार्केट जाऊँगा फिर शॉप चला जाऊँगा। बहुत ठंडी हवा है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो ऐसे टहलने में। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये देखो मैंने कहाँ पे मतलब अपने पर्स में पैसे रख के भूल गए थे, और नोट बंद हो गया, तो ये वाला नोट मुझे दिखा नहीं था, तो ये अभी मिला है नोट मुझे 2000 का, देख सकते हो। अभी इसको चेंज कराना पड़ेगा, और घर में पता नहीं है नहीं है, गरीब आदमी नहीं पता, लेकिन इसको तो मतलब क्या बात है ना गाइस, सोचो एक बार, मतलब ऐसे कि मैंने अपने पास में वॉलेट में पैसे रख के भूल गया था, वो भी 2000 रुपये मेरे बर्बाद होने से बच गए। वो तो अच्छा हुआ टाइम है, हम एक्सचेंज कर सकते हैं इस नोट को 2000 की, या फिर खर्च कर सकते हैं कहीं पे, ज़्यादा टाइम है अभी। नहीं तो फिर ऐसा होता ना कि मतलब मेरे 2000 रुपये बर्बाद होने वाले, ना तो मैं उससे खा पाता ना कुछ कर पाता। और बाकी अच्छे से मैंने खोजा इधर उधर, जहाँ जहाँ पे अपने पैसे रखता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल गए हैं। तो जो पैसे हैं वो कुछ चेंज भी कर लूँगा बैंक में, अपने ट्रांसफ़र कर लूँगा, जमा कर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं कुछ खर्च भी कर लूँगा, क्योंकि दोस्त तो हैं हमेशा भूखे रहते हैं, तो उनको खिला सकते हैं वैसे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही सोच रहा हूँ मैं यार, अपने वॉलेट में रख के मैं भूल गया, सोचो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अभी मिल गया तो खर्च वगैरह हो जाएगा। अच्छा हुआ है कि यार मैंने उस दिन अपना वॉलेट अच्छे से देख रहा था, चेक कर, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे वॉलेट में रहते हुए मुझे और पहले दिखा नहीं था, सोचो एक बार। ये भी सही है, 2000 रख के लोग कैसे भूल सकते हैं, मैंने भूला यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। और जो बाकी नोट्स थे वो तो दिखते रहते थे, यही नहीं दिखता था यार। तो कल मैं शॉप से घर आ गया था रात में लगभग 9 बजे, और अभी 10 से ज़्यादा हो रहे हैं, 10:30 के आसपास, और मैंने खाना खाया है। अब मैं खाना खा के बाहर जा रहा हूँ थोड़ा सा टहलने के लिए, टहलने के बाद मतलब टहलते हुए भी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊँगा, फिर टहलने के बाद हम घर में आते हैं और वापस से बात करेंगे। आज भी गली में कोई नहीं है गाइस, सिर्फ अकेला मैं टहल रहा हूँ। कहाँ चले गए सब यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अकेले टहलने में उतनी मज़ा नहीं आती। मैंने सोचा अभी कोई कुछ रहेगा तो थोड़ा सा मज़ा आएंगे, बातें करेंगे तो कुछ ना कुछ वो लोग हरकतें करेंगे जिसमें मज़ा आ जाते हैं। तो यार चलो थोड़ा सा वेट करते, या फिर देखता हूँ उनको बुलाने के लिए, अगर वो आ जाते हैं तो सही है, मज़ा आ जाएगा फिर। मतलब गाइस पता है आज ना हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चली, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठंडा था, और ठंडी ठंडी हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गाइस मैं आ चुका हूँ वापस घर में, क्योंकि बाहर कोई था नहीं, तो यहाँ पे फिर अभी मैं अकेला नहीं टहला,
मतलब थोड़ा सा टहला, अब वापस से मैं घर में आया हूँ। अब घर में जाके आइसक्रीम खाना है, बॉक्स ओपन करेंगे आइसक्रीम का। ना खाए हो? कैसे खाए हो? अच्छा ज़ियान कहाँ है? ज़ियान कहाँ है पहले बता दो, ज़ियान कहाँ है? ज़ियान कहाँ है? ज़ियान कहाँ है बता दो, बता जल्दी ज़ियान कहाँ है? ज़ियान कहाँ है बता दो, ज़ियान कहाँ है? ज़ियान कहाँ है बता दो, बोल दो अंदर, बोल दो पहले अंदर, बोल दो अंदर है। तो गाइस ये है जो सबको मारने के चक्कर में रहता है, सिर्फ मारता है। जल्दी बता दो ज़ियान कहाँ है, बोल दो अंदर, अंदर बोल दो। गाइस से पूछो ना, कोई किसी को भी पूछ लो कि मतलब कहाँ है ये, तो वो बोलेगा अंदर। अभी नहीं बोल रहा है। मुझे ना थोड़ा सा रुलाने में मजा आता है ऐसे ऐसे करके। ज़ियान कहाँ है बता दो। गाइस सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। मारो मारो जल्दी, मार दो मार दो। ये आइसक्रीम खाने का मन था अभी, तो मैं और लिटिल माफिया आइसक्रीम खा रहे हैं। बॉक्स अभी मैंने ओपन किया है आइसक्रीम का, सो चलो इसको खाना स्टार्ट करते हैं। अच्छी है गाइस, वैसे ये लास्ट चीज़ है इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, इसके बाद कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, इसके बाद सोने ही जाऊँगा। तो अभी के लिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो। और मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।